लॉटरी नंबर था मेरा 0077। हेलो नमस्कार, केबीसी ऑफिसर राहुल कुमार बात कर रहा हूँ। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति की ओर से। डियर कस्टमर, आपके लिए एक गुड न्यूज है। जो आप ये व्हाट्सएप नंबर यूज करते हो, आपके इस व्हाट्सएप नंबर पर लकी ड्रॉ के तावन से 25 लाख यानी 25 लाख रुपए की लॉटरी विन हो चुकी है आपके इसी नंबर पर। आपको और आपके परिवार को बधाई पेश करते हैं। लॉटरी कैसे लगे इसकी तमाम जानकारी ऑफिसर आकाश वर्मा आपको बताएंगे, जिसकी जानकारी आपको चाहिए तो ऑफिसर आकाश वर्मा का आपको नंबर सेंड कर दिया है। यानी जो आपके व्हाट्सएप के अंदर फाइल पहुंचा हुआ है, फाइल को ओपन करेंगे, उसके अंदर ऑफिसर आकाश वर्मा का व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। उस नंबर को अपने व्हाट्सएप में सेव कीजिए। उस नंबर की व्हाट्सएप निकालें तो आपकी कॉल लगेगी। अगर आप उस नंबर से नॉर्मल सिम कार्ड से कॉल लगाएंगे तो आपकी कॉल बिल्कुल भी नहीं लगेगी। कृपा करके आप उनको व्हाट्सएप कॉल लगाएंगे तो आपको तमाम जानकारी दी जाएगी। डियर कस्टमर, आपको फाइल पहुंच चुका है आपके व्हाट्सएप के अंदर। फाइल को ओपन करेंगे, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में सेव करके कॉल लगा लीजिए। और इस बात का आपने ध्यान रखना है, यहाँ से आपको बैक कोई भी रिप्लाई, कोई भी मैसेज का आपको जवाब नहीं दिया जाएगा जिस नंबर से आपको हमारे ये डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, क्योंकि ये सरकारी अदारे का नंबर है, सोने चैनल का नंबर है। यहाँ से सिर्फ हम विनर को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपकी कॉल नहीं उठाई जाएगी। थैंक यू सो मच, आप जल्दी उनको कॉल लगा लें। ऐसा मैंने देखा और देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। तो उस पर एक मोबाइल नंबर दी हुई थी जो कि इस तरीके से है। मोबाइल नंबर था 8290723120। ये व्हाट्सएप नंबर को मैंने अपने मोबाइल नंबर पे सेव किया और सेव करने के बाद उसे व्हाट्सएप कॉल लगाया। फिर मैंने पूछा कि हाँ कौन बोल रहे हो, तो उसने बोला कि मैं आकाश वर्मा बोल रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि ये 25 लाख रुपए की क्या सीन है, तो उसने बोला पहले आपको अपनी लॉटरी नंबर बतानी पड़ेगी। तो मैंने उसे लॉटरी नंबर बताया। लॉटरी नंबर था मेरा 0077। तो उसे मैंने लॉटरी नंबर बताया और फिर उसने बोला कि मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ। तो उसने चेक किया और बोला जी हाँ, ये आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है और ये आपको मुकेश अंबानी द्वारा इस नए साल के अवसर पे आपको ये 25 लाख रुपए मिलेंगे। तो मैंने बोला कैसे, तो बोला कि उसने 4000 मोबाइल नंबर सेलेक्ट किए थे जिसमें आपका भी मोबाइल नंबर शामिल है। तो मैंने बोला ठीक है, ये 25 लाख रुपए मुझे कैसे मिलेंगे। तो उसने कहा कि पहले आपको मुझे अपनी बैंक डिटेल भेजनी पड़ेगी। तो मैंने उसे बैंक डिटेल भेजा। तो बैंक डिटेल भेजने के बाद उधर से रिप्लाई आता है। फिर मैंने बैंक डिटेल भेज दिया और फिर उधर से कॉल आता है कि ये आपको 25 लाख रुपए चेक के फॉर्म में मिलेगा। तो मैंने बोला कब तक, तो उसने बोला कुछ ही दिनों में बस आपको मिल जाएंगे। तो फिर उसने कहा कि आपको अब डॉक्यूमेंटेशन के 12200 रुपये लगेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि पहले आपको ये पे करना पड़ेगा 12200 रुपये। तो मैंने कहा देखो मैं पहले पे नहीं कर रहा, पहले आप 25 लाख रुपये भेज दो, फिर मैं उसके बाद आपको भेज दूंगा। तो उसने मुझे और घुमाने के बाद वो बोलता है कि आप क्या टैक्स पे कर लोगे, जब आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल कर दूंगा, मैं पे कर दूंगा। तो उसने काफ़ी जिद किया कि पहले आप मुझे भेजो, ये मेरे खाते में नहीं जाएगी, ये जाएंगे गवर्नमेंट के खाते में। तो मैंने बोला पहले आप 25 लाख रुपये भेज दो, फिर मैं उसके बाद आपको भेजूँगा। तो उसने काफ़ी जिद किया। मैंने बोला मैं ऐसा नहीं कर रहा, आपको जो अगर पहले भेजना है तो भेज दो, वरना छोड़ दो, रहने दो, मुझे नहीं लेने 25 लाख रुपए। तो इस तरीके से भी कॉल आता है, इस तरीके से भी अभी भी फेक कॉल आ रहा है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग सतर्क हो जाओ और आप लोग ऐसे झांसे में ना आओ। तो मैंने बैंक डिटेल इस बेसिस पे भेजा था कि मेरे बैंक अकाउंट में काफ़ी कम बैलेंस थे और कम बैलेंस मैंने भेज दिया। और फिर मैंने सोचा कि OTP तो आएंगे, पैसे जब कटेंगे तो OTP आएंगे, तभी कंफर्मेशन उसको मिलेगा, तो ही मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो फिर भी मैंने उसको अपना बैंक डिटेल भेज दिया, मैंने कोई परवाह नहीं किया। मैंने बोला कि OTP आएगा तो ही वो पैसे अकाउंट से कटेंगे। तो मैंने तो जान रहा था कि ये फेक कॉल है, फिर भी मैंने उसे भेज दिया।
और फिर आओ, तो फिर आप लोग ऐसे कॉल से बचें और सावधान रहें। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ ताकि मैं अपना सब्सक्राइबर ओपन कर सकूँ। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।